हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम झारखंड बोर्ड स्टूडेंट्स और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो है इंग्लिश में एक फ्लेमिंगो बुक से जो है सेकंड पोएम आज पढ़ाएंगे। ये हो गया झारखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। झारखंड एंड सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है फ्लेमिंगो बुक का सेकंड पोएम एन एलिमेंटरी स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। दिस पोएम वाज कंपोज्ड बाय फेमस इंग्लिश पोएट स्टेफन स्पेंडर। ठीक है, यहाँ पर इसका मीनिंग समझना है। एन एलिमेंटरी, एलिमेंटरी का अर्थ होता है प्राइमरी, हिंदी बोलते हैं प्राथमिक या बेसिक, प्राइमरी स्कूल है ना, बेसिक स्कूल। तो एलिमेंटरी का अर्थ हो गया प्राइमरी, प्रारंभिक यानी प्राइमरी स्कूल। एलिमेंटरी स्कूल का अर्थ हुआ प्राइमरी स्कूल। क्लासरूम इन ए स्लम, स्लम का क्या अर्थ होता है, स्लम एरिया। इसको हिंदी बोलते हैं झोपड़पट्टी, झुग्गी झोपड़ी में जहाँ गरीब लोग रहते हैं, इसको कहा जाता है स्लम एरिया। स्लम का अर्थ हो गया झोपड़ी, हट, हट कॉटेज भी कहा जाता है स्लम। तो समझना है आप लोगों को कि बड़े बड़े शहरों में बहुत गरीब लोग सड़क किनारे कहीं खाली पड़ा सरकारी जमीन पर जो है अस्थायी रूप से झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं, वैसे जगह को कहा जाता है स्लम एरिया। अगर बड़े बड़े शहर घूमने का कभी मौका मिले तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। बड़ा बड़ा बिल्डिंग, आलीशान सब महल देखते हैं और लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। वहीं बीच बीच में आपको लगेगा कि सड़क किनारे छोटा छोटा झोपड़ी बनाकर गरीब सब आदमी रहता है। उस जगह को देखेंगे तो आपको बड़ा कष्ट होगा, हृदय द्रवित हो जाएगा। आप कुछ पल के लिए सोचने लगेंगे कि हाँ, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, अमीर सब लोग रह रहे हैं, और यहाँ बीच शहर में कुछ काफ़ी गरीब लोग भी हैं और उन लोगों की स्थिति काफ़ी दयनीय होती है। अब देखिए सड़क किनारे छोटी बड़ी नालियाँ होती है, बड़ा बड़ा नाला होता है, उसके किनारे कोई सुविधा नहीं है। बांस, फटे कपड़े, प्लास्टिक आदि की सहायता से छोटे से जगह को घेर कर उसके अंदर गरीब लोग किसी तरह से सर छिपाने का प्रयास करते हैं। और बहुत तंग जगह होता है, झोपड़ियाँ आपस में सटी हुई रहती है। जैसे हम लोगों का जो रूम है इतना सा बड़ा, इसमें जो है 3-4 फैमिली रह रहे हैं, किसी तरह से अंदर घुसकर वहाँ पर समय बिताते हैं, रात काटते हैं, और दिन भर फिर जो है इधर उधर छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते, कूड़ा करकट के ढेर पर कुछ उपयोगी चीज़ों को खोजने का पाने का प्रयास करते हैं, यानी कूड़ा करकट ढूंढते फिरते हैं। कुछ लोग जो है बड़ा परिवार है, मजदूरी करते हैं, और ऐसे जगह पर रहने वाले लोगों को देखोगे बड़ा अच्छा लगेगा, प्राय सभी लोग जो है अस्वस्थ बीमार नजर आते हैं। कारण क्या है कि वहाँ पर जो है रहने की अच्छी सुविधा नहीं है, बेहद गरीब हैं, बढ़िया खाना भी नहीं मिलता है, समय पर खाना भी नहीं मिलता है, प्रतिदिन खाना भी नहीं मिल पाता है, शरीर पर बढ़िया कपड़ा भी नहीं है, कोई सुख सुविधा नहीं है जहाँ पर वो रह रहे हैं। उसके बाद पास में पैसे भी नहीं हैं, इस प्रकार
तरह तरह के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, यानी बहुत ही दयनीय स्थिति होती है स्लम एरिया में रहने वाले लोगों की। तो एक बार कवि जो है स्टेफन स्पेंडर किसी शहर के स्लम एरिया में घूमने के लिए गए, तो वहाँ जब देखे तो वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल देखा। वहाँ सरकार तो प्रयास करती है हर जगह पूरे वर्ल्ड में कि बच्चों को, गरीब बच्चों को भी एजुकेशन मिले। तो एक स्कूल स्लम एरिया में उन्होंने देखा। कैसा स्कूल था जी? प्राइमरी स्कूल था। तो कभी वहाँ पर घूमने गए, मन में हुआ देखें यहाँ पर कैसे बच्चे पढ़ते हैं, किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं। तो कभी वहाँ पर जब गए तो क्लासरूम देखे कि वहाँ जो है स्कूल की व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी और गरीब सब बच्चे वहाँ पर बैठे हुए थे और दीवार पर जो है तरह तरह का आकर्षक तस्वीर सब टंगा हुआ था छोटे बच्चों को पढ़ाई में रुचि डेवलप करने के लिए। इस प्रकार का जानवरों का, फलों का, सब्जियों का, महापुरुषों का फोटो सब लटका रहता है, ठीक है, ताकि फोटो को देखकर जो है बच्चे आकर्षित होकर पढ़ाई कर सकें। कभी जब देखे वहाँ बच्चों को देखकर बड़ा आश्चर्य लगा, दयनीय स्थिति को देखकर बच्चे स्वस्थ नहीं थे। हाँ, किसी का सर जो है बहुत बड़ा लग रहा था, क्यों कि बाल बिल्कुल बिखरा हुआ था, कोई बिल्कुल दुबला पतला है, किसी का शरीर ऐठा हुआ है यानी रोगग्रस्त है, कोई बच्चा बाहर की ओर झांक रहा है यानी वह बाहर की ओर देख रहा है, कोई गिलहरी पेड़ पर चढ़ रहा है उसको देख रहा है, यानी पढ़ाई में उसकी रुचि नहीं हो रही है। तो उस स्थिति को देखकर कवि के मन में क्या भावना आई, इसका वर्णन हम लोग इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम चाहते हैं कि कविता पढ़ाने से पहले आप लोगों को हम इस पोएम का एक समरी लिखा देते हैं और इसको आप लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो एक आपको आइडिया हो जाएगा, तब कविता समझने में भी सुविधा होगी। तो चलिए समरी देखा जाए। द पोएट विजिट्स ए प्राइमरी स्कूल इन ए स्लम एरिया। कवि स्टेफन स्पेंगर जो है एक प्राइमरी स्कूल घूमने जाते हैं, कहाँ? झोपड़पट्टी में, स्लम एरिया में। ही सीज द पुअर कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रेन इन द क्लासरूम। वे क्लासरूम में बच्चों की दयनीय स्थिति को देखते हैं। ही सोज द सोशल इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन विच द स्लम चिल्ड्रेन। कवि काफ़ी दुखी होते हैं और इस कविता के माध्यम से कवि क्या दिखाना चाहते हैं, सो देखिए। सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय, एंड डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, विथ द स्लम चिल्ड्रेन यानी झोपड़पट्टी के बच्चों के साथ सामाजिक अन्याय और भेदभाव को दिखाने का प्रयास करते हैं। हम लोग जान रहे हैं कि देखिए छोटे बच्चे बिल्कुल जो है इनोसेंट होते हैं, उसको शिक्षा का भी अधिकार होना चाहिए, बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए। बच्चों की क्या गलती है, बच्चों के भविष्य को बनाने का प्रयास या दायित्व सबों का होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर क्या देखते हैं कि बहुत बड़ा अंतर देखते हैं, स्लम एरिया के बच्चों के साथ कितना बड़ा भेदभाव है, सामाजिक अन्याय हो रहा है कि बिल्कुल गरीबी में जी रहे हैं और पढ़ाई के नाम पर, शिक्षा के नाम पर एक सिर्फ स्कूल दिया गया है जहां वैसे बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा है। अब देखिए, दे आर वेरी सैड पेल एंड इन वेरी पुअर क्लास। कभी क्या देखते हैं, वहां जितने बच्चे हैं सभी जो है बिल्कुल उदास हैं, पेल पीलापन चेहरे पर है। पीलापन का क्या अर्थ हुआ, आप लोग देखते होंगे जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है और उस बीमारी से मुक्त होने के बाद कुछ दिन तक क्या होता है,
चेहरे पर पीलापन रहता है, यानी वो कमजोरी का निशान हुआ, ऐसा लगता है कि उसके शरीर में रक्त की कमी हो गई है, यानी उन लोगों को अच्छा खाना पीना भी नहीं मिलता है, तो बिल्कुल चेहरे से जो है कमजोर लग रहे हैं, शरीर पर कोई चेहरे पर कोई रौनक नहीं है, यानी वेरी पुअर क्लास और बहुत ही पुअर क्लास में है। पुअर क्लास कहने का अर्थ क्या हुआ, बढ़िया कपड़ा में नहीं है, पुराने फटे कपड़े में बच्चे हैं। ही सा ए टॉल गर्ल विथ ए हैवी हेड, वे वहाँ पर क्या देखे, ऐसा करते हैं इसको प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। ही सीज द पोएट्स कभी देखते हैं एक लंबी लड़की है विथ ए हैवी हेड, और उसका हेड बहुत बड़ा लग रहा है, कारण क्या है कि सिर पर बड़ा बड़ा बाल है, वो बाल की सफाई नहीं कर पाती है, ना वह जो है बाल को धो सकती है, न वो कंघी करती है, कारण क्या है, गरीबी है, तो उसका सिर जो है बहुत बड़ा लग रहा है, बाल बिखरा हुआ है, लीन एंड थिन बॉय। फिर देखते हैं एक लड़का जो है बहुत दुबला पतला है, वो हैड रैट आई, और उस बच्चे को क्या देखते हैं, राइट आईज, राइट आई चूहे जैसी आंखें, इसको बोलते हैं फ्राइट एंड भयभीत, यानी वो बच्चा जो है काफी भयभीत लग रहा है। ही सीज, सबको पेरेंटेंस में हम बता रहे हैं, ही सीज ए बॉय विथ ट्विस्टेड बोन्स, उसके बाद एक लड़का को देखते हैं इसका हड्डी शरीर का जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है, यानी शरीर विकृत है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी है शरीर की। ही हैज इनहेरिटेड दिस डिजीज फ्रॉम हिज फादर, पता चला कि उस लड़के को यह बीमारी उसके पिता से विरासत में मिली है, यानी आनुवंशिक रोग है, उसके पिताजी भी इसी रोग से ग्रस्त हैं। ही इज लर्निंग हिज लेसन बाय हार्ट, और वह लड़का जो कुंवर है वह अपना पाठ पढ़ रहा है। इन द डार्क क्लासरूम ही सीज ए, क्लासरूम अंधेरा है, उस अंधेरे क्लासरूम में क्या देखते हैं, ए लवली चाइल्ड, एक बहुत प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है, सीटिंग एट द बैक साइड, जो क्लासरूम में पीछे की ओर बैठा हुआ है। ही इज वॉचिंग आउटसाइड, और वह लड़का बाहर की ओर झांक रहा है। द गेम ऑफ ए स्क्वायरल ऑन द ट्री, कि जो गिलहरी जो है स्क्वायरल गिलहरी पेड़ पर खेल रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, और वह बच्चा जो है उस गिलहरी को बड़ा गौर से देख रहा है, यानी उस बच्चे की रुचि पढ़ाई में नहीं है, वह मन से दुखी है, वह बाहर की ओर झांक रहा है। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या, देखो द नेम्स ऑफ द डोनेटर्स आर रिटन ऑन द येलो वॉल्स, वहां का दीवार जो है बिल्कुल पीला पड़ गया है, कारण क्या है, बहुत दिनों से कुटाई नहीं हुई, कारण क्या है, उसका देख रेख ठीक से नहीं हो पा रहा है, उस पर ध्यान देने वाले कोई नहीं है, है ना, वहां सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, एक स्कूल प्राइमरी स्कूल वहां पर खोल दिया गया है। तो देखिए दीवार पर जो है वहां पर क्या है कि डोनेटर्स का नाम लिखा हुआ है, यानी जो लोग उस काम के लिए उस स्कूल को बनाने में दान दिए हैं, कुछ मनी दिए हैं, कोई जमीन दिए, कोई कुछ पैसा दिए, कुछ कोई श्रमदान किए, पहले जमाने में ऐसा ही होता था, कुछ अच्छे लोग समाज के पुण्य का काम करते थे, और जन कल्याण के लिए लोगों की भलाई के लिए काम करने में मदद भी करते थे। तो वहाँ पर उस स्कूल को बनाने में जो लोग दान दिए थे उन लोगों का नाम वहाँ पर लिखा हुआ था, और आज भी हम लोग देखते हैं कई मंदिर वगैरह जाते हैं तो वहाँ डोनेटर्स का नाम लिखा रहता है कि कौन कौन आदमी कितना पैसा इसमें दिया है इसके निर्माण में। तो चलिए सम पिक्चर्स एंड मैप्स आर ऑन द वॉल्स, क्लासरूम में क्या देखते हैं, कुछ तस्वीर है, कुछ मैप है, जैसे इंडिया का मैप है, वर्ल्ड का मैप है, वो वहाँ पर टंगा हुआ है। All these things are useless for them. लेकिन ये सारी व्यवस्था क्यों की गई है, बच्चों को पढ़ाई के प्रति आकर्षित करने के लिए, लेकिन बच्चों के लिए इन सुंदर सुंदर तस्वीरों का कोई महत्व नहीं है, बेकार है उन लोगों के लिए। Their future is covered with mist or fog.
बच्चों का भविष्य जो है कुहासों से या फॉग से हाँ बिल्कुल जो है ढका हुआ है, यानी गरीबी से उन लोगों का फ्यूचर जो है बिल्कुल ढका हुआ है। दे आर अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, तरह मानव सभ्यता की जो मुख्य धारा है उससे ऐसे बच्चे बहुत दूर हैं, यानी मानव सभ्यता की मुख्य धारा में नहीं है। जैसे आप लोग क्या हैं, मानव सभ्यता की मुख्य धारा में हैं, आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र होकर जो है अच्छे अच्छे जगह पर पढ़ाई कर रहे हैं, और आप लोग जानते हैं जिस प्रकार से मेहनत करेंगे वैसा रिजल्ट होगा, और आप अपने मेहनत के बल पर कोई भी मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। इसका कारण क्या है, आप लोग मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। तो वहां के बच्चे क्या हैं, मुख्य धारा से कोसों दूर हैं। द पोएट सेज द स्लम चिल्ड्रन स्पेंड देयर टाइम इन द स्लम, कभी कहते हैं झोपड़पट्टी के बच्चे अपना समय कहाँ बिताते हैं, झोपड़पट्टी में, यानी दिन रात वहीं रहना है। आप लोग भी देखते होंगे, हम लोग भी इतने समाज में देखते हैं, जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं, जो बहुत गरीब बच्चा सब जो है कूड़ा करकट चुनता है, इधर उधर पढ़ाई लिखाई नहीं करता, वैसे बच्चों के साथ अच्छे बच्चे भी खेलना पसंद नहीं करते हैं, है ना। किसी प्रकार की बात है कि वैसे बच्चे हीन भावना से ग्रसित हैं, कहीं दूसरे जगह जा भी नहीं सकते हैं। हाँ, अच्छे बच्चे उन लोगों को अपने समूह में शामिल भी नहीं करेंगे, अपने साथ खेलने का भी मौका नहीं देंगे। इस प्रकार बिल्कुल हीन भावना से ग्रसित होकर जो है दिन रात उसी झोपड़पट्टी में रहते हैं। द पोएट से गवर्नर टीचर इंस्पेक्टर गेस्ट हुईवर विजिट द स्कूल मस्ट ट्राई टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स एंड ब्रिंग देम आउट ऑफ द डार्क वर्ल्ड टू द मेन स्ट्रीम। ऑब्स्टेकल मतलब हुआ बाधा, परेशानी, कठिनाई। तो कभी कहते हैं गवर्नर करने का तो रूलर, सरकार के प्रतिनिधि, शिक्षक, इंस्पेक्टर, गेस्ट, अतिथि, जो कोई जो भी व्यक्ति उस स्कूल को देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, उन लोगों को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि सबसे पहले वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है बच्चों का, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, और वैसे बच्चों को डार्क वर्ल्ड से, जो अंधेरी दुनिया में वे लोग रह रहे हैं, उस डार्क वर्ल्ड से बच्चों को बाहर निकालकर मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। देखिए बच्चे बिल्कुल दुखी हैं, ना बढ़िया खाना मिल रहा है, ना कपड़ा है, ना रहने की सुविधा है, उस हालत में बच्चों को पढ़ने लिखने में मन नहीं लग सकता है, पढ़ने लिखने में रुचि नहीं जग सकती है, भूखे पेट इस तरह का काम नहीं हो सकता है। वही कभी कहते हैं कि ऐसे बच्चे काफ़ी गरीबी में जी रहे हैं, सबसे पहले इनकी गरीबी को दूर करना होगा और उस डार्क वर्ल्ड से बाहर निकालना होगा, मुख्य धारा से जोड़ना पड़ेगा, तभी ऐसे बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई में रुचि लेंगे। देन ओनली दे कैन टेक इंटरेस्ट इन स्टडी फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर, तभी इस प्रकार के बच्चे जो है पढ़ने लिखने में रुचि लेंगे और अपने उज्ज्वल भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए कभी जो है आम लोगों से, सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि ऐसे बच्चों पर ध्यान दिया जाए, ऐसे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा जाए, ऐसे बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए कदम उठाया जाए। तो इस कविता का सारांश हम लोगों ने देखा, समरी हम लिखा दिए, आप लोग इसको एक दो बार पढ़ेंगे और हमारी बात आप लोग सुने ही फिर से सुनने का प्रयास करेंगे, और इस कविता के सारांश जानने से हम लोग को एक बात का पता चला। आपको कैसा लगता है कि कवि का क्या सोच है, कवि जो है ऐसे बच्चों के उत्थान के बारे में सोच रहे हैं, कवि जो है स्लम चिल्ड्रेन को देखकर दुखी हो रहे हैं और उनके मन में यह भावना जगती है कि स्लम चिल्ड्रेन का भी विकास हो, उन लोगों का भी भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए कवि जो है सबों से आग्रह करते हैं, सभी प्रकार के लोगों से आग्रह करते हैं कि आगे बढ़कर जो है ऐसे बच्चों को डार्क वर्ल्ड से बाहर निकालकर मानव सभ्यता की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ताकि उन लोगों का भी भविष्य उज्जवल हो सके। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।